Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है? आप में से बहुत से लोग के मन में यह सवाल आखिर होता है कि जिस इंटरनेट को हम दिन रात यूज करते हैं आखिर उसका मालिक कौन है? जब आप किसी कंपनी जैसे जियो, आइडिया या फिर एयरटेल को डाटा पैक के लिए कुछ पैसे देते हैं तो आपके मन में यह सवाल आखिर होते हैं कि कंपनी इंटरनेट के लिए किसे पैसे देती है। इसे समझने के लिए आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि इंटरनेट काम कैसे करता है और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इसके मालिक कौन है। तो नमस्कार, मैं हूँ तरुण बनर्जी और आप देख रहे हैं महाकाल टेक। तो महाकाल टेक की इस तरह ही टेक्नोलॉजी के यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट का मालिक कौन है? मान लीजिए आप अभी इस वीडियो को अपने वेबसाइट किसी वेबसाइट से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप जो हजारों किलोमीटर दूर रखे वेबसाइट के एक सर्वर से प्राप्त कर रहे हैं, जब वेबसाइट के सर्वर से आपके मोबाइल या पीसी पर ये वीडियो उस सर्वर में आपके मोबाइल के बीच एक कनेक्शन बन रहा है, तो इसी कनेक्शन के लिए आपको रुपए देने पड़ते हैं और ये रुपए आप नेशनल लेवल की कंपनी जैसे रिलायंस, एयरटेल, आइडिया या लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर को देते हैं। लेकिन ये नेशनल कंपनी की पहुंच सिर्फ आपके देश तक ही होती है, इसीलिए ये कंपनी इंटरनेट के लिए इंटरनेशनल कंपनी को पैसा देती है। इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे तीन भाग में आज बांटेंगे। पहला चरण, ये वह कंपनी होती है जैसे स्प्राइनेट, USA, सोलोनिकिया, PLDT, सेंट्रल नेट, जिन्होंने समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर एक दूसरे देशों को केबल के जरिए कनेक्ट किया और इस कंपनी ने अपने खुद के पैसे या अलग अलग इन्वेस्टमेंट से केबल को समुद्र में बिछाया और इस केबल के जरिए भी हम इंटरनेट चला पाते हैं। ये कंपनियाँ नेशनल लेवल की कंपनियों से पैसा लेती हैं। दूसरा, ये नेशनल लेवल की कंपनियाँ होती है जैसे एयरटेल, आइडिया, रिलायंस, जियो, तो ये हमें लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर यानी वाईफाई को इंटरनेट उपलब्ध कराती है। तीसरा, कि ये लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर यानी वाईफाई जो है कंपनी होती है जैसे कि हार्डवे, स्पेक्ट्रा नेट, जिन्होंने हम हर महीने के हिसाब से पेमेंट करके इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ये कंपनी नेशनल लेवल की कंपनी जैसे आइडिया, एयरटेल और रिलायंस को पैसा देती है। चलिए फिर आज हम जानेंगे कि फिर इसके मालिक अब कौन है। जब हम किसी इंटरनेट के डाटा पैक के लिए अपनी कंपनी को पैसा देते हैं, वो पैसा जो है नेशनल लेवल की कंपनी के पास जाता है, तो फिर उसके बाद इंटरनेशनल कंपनी के पास ये पैसा जाता है। लेकिन इंटरनेशनल कंपनी किसी को पैसा नहीं देता है, तो आप जान गए होंगे कि इंटरनेट का मालिक कौन है। इंटरनेट का मालिक कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है पर इंटरनेट का जो मालिक है इसमें अमेरिका कंपनी का दबदबा है और अमेरिकी कंपनी का जो है कि ओर से संचालन किया जाता है इंटरनेट को। तो ये हम अगर कहें कि इंटरनेट का मालिक कौन है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेट का मालिक अमेरिका है, और ये भी हम पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ अमेरिका इसका मालिक है। पर हाँ दोस्तों, जो इसके जितने भी जो इंटरनेशनल कंपनी है और इंटरनेशनल कंपनी जो सबसे बड़ा हब है, इंटरनेट का सबसे बड़ा जो हब है वो अमेरिका है, तो इसके लिहाज से अगर कहा जाए तो इंटरनेट का मालिक जो है अमेरिका ही है। क्योंकि जो सारे कंपनी जो इंटरनेट को संचालन करते हैं उन सारे कंपनी जो है अमेरिका की है। हर एक अलग अलग देश में हर एक ग्राहक को इंटरनेट तक पहुँचे हैं और आज के युग में हर किसी के पास में जो है डिजिटल दुनिया की हर कोई बड़ी खबर जो है तुरंत एक सेकंड के अंदर अपने स्मार्टफोन में आ जाते हैं। तो ऐसे में जो अमेरिका की जो कंपनी है उसी कंपनी के द्वारा जो है इंटरनेट का संचालन किया जाता है और जिसके माध्यम से जो है हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपसे मेरा बार बार एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते चले अगले वीडियो में, आपके इतना ही। धन्यवाद। जय जवाहर, तो वंदे मातरम। धन्यवाद।